हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। हाईकोर्ट का ये फैसला कई नेताओं को नागवार गुजरा। महबूबा मुफ्ती से लेकर ओवैसी जैसे कई नेताओं ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा हिजाब बैन को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए कहा कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूँ। चाहे आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोचते हो, ये पहनने का कोई एक कपड़ा नहीं है बल्कि एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है। कोर्ट ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह हास्यास्पद है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर ट्वीट किया मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूँ। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले का इस्तेमाल हिजाब पहनने वाली महिलाओं के उत्पीड़न को वैध बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। बैंकों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि में हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ खराब व्यवहार नहीं किया जाएगा। IIM ब्यूरो।